हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने लखनऊ का ब्लॉग देखा, बहुत परफेक्ट तो नहीं था, बट जितना जितना मैं कैप्चर कर पाई थी मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ, और उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। तो लखनऊ का ब्लॉग आप लोगों ने देख लिया। अब जो मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है लखनऊ की शॉपिंग। लखनऊ से मैंने क्या क्या लिया, आप भी देखने के लिए एक्साइटेड हैं और मैं भी दिखाने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये ड्रेस अच्छा लग रहा हो तो बता दूं कि ये मैंने मीशो से मंगवाया है। तो जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है और इसका मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप प्लीज जाके देखिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस है ये, समर के हिसाब से बहुत अच्छा है और बहुत ही अफोर्डेबल भी है। तो सबसे पहले जो मैंने लिया है वो है प्लाजो। तो आप देख रहे हैं कितना फ्लेयर है इसमें, मतलब एक जो है एक का इतना फ्लेयर है और ये सेकंड। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और वहां जो बाहर लोकल मार्केट थी, मतलब उधर ऐसे कैसे बताऊं मैं आपको, जो रोड पे साइड में जो फुटपाथ वाली मार्केट लगते हैं ना, वहां पे था ये। तो वहां पे हैंगर पे खूब सारा टांगा हुआ था। तो मेरी और ये लास्ट पीस बचा था, एकदम से मेरी उस पर नजर गई। तो ये उसने मुझे इसका किया था 400 कोट किया था। तो बार्गनिंग फिलहाल वहां पे मैंने देखा बार्गनिंग नहीं चलती है, बहुत रेयर ही हैं जो बार्गनिंग करते हैं। फिलहाल मैंने ज्यादा बार्गनिंग की भी नहीं, तो हो सकता है कि कम कर दें, बट मैंने एक दो लोगों को बोला, उन्होंने कम नहीं, बट बड़ी मुश्किल से मुझे 350 में दिया उसने। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि बहुत ज्यादा चीप प्राइस नहीं था, ठीक था। आप अगर शॉप पे लेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो कपड़ा है वो बहुत अच्छा कपड़ा है। और आप बिल्कुल भी नहीं, मतलब कह सकते हैं कि ये मैंने किसी लोकल, मतलब बाहर फुटपाथ वाली मार्केट से लिया है। बहुत ही अच्छा कपड़ा है इसका, एकदम प्योर कॉटन है। इसका जो प्रिंट है मुझे वो ऐसा लगा जैसे एम्ब्रॉयडरी वाला प्रिंट, बट ये जो है ना, ये जो प्लास्टिक प्रिंट आता है कुछ उस टाइप का है। ये फर्स्ट मेरा ये था। सेकेंड जो मैंने लिया, अगेन बॉटम वेयर ही है। तो यहाँ पे जो मैंने लिया वो है शरारा। तो मुझे ये उसी के बगल वाली शॉप से मैंने लिया गाइस। तो इसका भी फ्लेयर आप देख सकते हैं, इसमें गोटा पट्टी वर्क है। प्रॉपर कलर इसका जो है वो मैं कैसे बताऊं आपको, थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट आ रहा है, ये देखिए आपको, ये प्रॉपर इसका कलर है। तो सेकंड मैंने ये लिया और इसका 450 ही था, उसने मेरे को कम नहीं किया, फिक्स रेट था। तो 450 का मुझे ये मिला और ये बहुत अच्छा है। आप मतलब इसके अकॉर्डिंग कोई कुर्ता वगैरह सिलवा के, या कई सारे आप अलग अलग कुर्ते पे इसको वेयर कर सकते हैं। यहाँ पे गोटा पट्टी है और एक यहाँ पे गोटा पट्टी है इस तरीके, और नीचे तीन जगह पे इन्होंने से गोटा पट्टी की लेयर दी हुई है। और बहुत ही अच्छा है, मतलब एक और प्योर कॉटन है। पहले तो आपको बता दूँ कपड़ा इसका प्योर कॉटन है, और ये भी फुटपाथ वाली ही मार्केट है, मतलब सॉरी फुटपाथ, मतलब ये भी फुटपाथ से ही लिया था मैंने। मतलब उनकी पर्टिकुलर शॉप नहीं थी, ऐसे रोड पर उन्होंने हैंगर्स में कपड़े लगाए थे, तो मैंने वहीं से लिया था। और काफी क्राउड था वहां पर, काफी लोग वहां से ले रहे थे। तो सेकंड ये, और वहीं से मैंने लिया एक ये शॉर्ट घर में पहनने के लिए। तो एक मैंने इसने के दो लिए थे, इसमें यहाँ पे आपको पॉकेट मिल जाएगी। और गाइस जब से आई हूँ मैं तब से इसको कंटिन्यू मतलब वेयर कर रही हूँ। इसको मैंने कई बार वॉश भी कर दिया, बट इसका ये पोल्का डॉट में है तो ये जो इसका डॉट्स हैं अभी निकले नहीं है, अभी तक तो नहीं निकले, और निकल भी जाए तो कोई बात नहीं यार, 200 का है ओनली। तो मैंने दो लिए थे, एक्चुअली 200 उसका फिक्स रेट था, बट मैंने दो लिए और फिर मैंने ये सब भी लिया। तो उसने मतलब जैसे कि जिसके यहाँ से मैंने फर्स्ट वाला ये लिया था, वहीं से मैंने ये भी लिया। तो एक मैंने पिंक कलर का लिया था, एक ब्लैक। तो पिंक वाला मैंने अपनी सिस्टर को दिया, तनु को, और ये वाला मैंने अपने लिए रखा। तो मैंने जब दो लिए थे तो उसने मुझे 150-150 का दिया था, तो ये मुझे 150 ईच पड़ा। उसके बाद मैं आपको बता दूं मैंने ये इयररिंग्स लिए थे। तो आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में ही मैं इयररिंग्स के पास रुकी थी, वहां पे एक लेडीज के पास। तो इसका मुझे उसने 120 कोट किया था, बट बार्गेनिंग करने के बाद उसने मुझे 50 में दे दिया, और 50 में बहुत ही अच्छा मिल गया। मतलब मुझे बैंगल्स भी खरीदी हैं, तो बहुत ज़्यादा तो बैंगल्स नहीं ली मैंने क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, बट मुझे ये अच्छी लगी रेड कलर की। तो ये 120 की 4 है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये मतलब अंदर से प्लास्टिक नहीं है, कांच है।
तो मुझे ऐसी कांच की बैंगल्स, क्योंकि मैं चूड़ियां नहीं पहनती हूँ और कांच की चूड़ी पहनना जरूरी होता है, तो इसलिए मम्मी हमेशा बोलती हैं एक कांच की चूड़ी डाल के रखा करो। तो मैंने ये इसलिए ले लिया कि एक कड़ा पड़ा रहेगा तो अच्छा लगेगा, मतलब मेरे को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। और एक कड़ा ऐसे मैं मोस्टली एक कड़ाई डाल के रखती हूँ। तो एक ये है, उसके बाद जो हम आ जाते हैं वो है हमारा फेवरेट प्रोडक्ट। शॉप का नाम है कैलाश चिकन, जहाँ का कि मैंने आपको वीडियो दिखाया था। तो वहाँ से मैंने क्या लिया, वो वहाँ से एक्चुअली मैंने दो कुर्ते लिए, जैसा कि मैंने बताया मुझे कपड़ा पसंद आया था सबसे पहले, बट मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैंने आपको बोला है मैं गाँव में ही कपड़े स्टिच करवाती हूँ। वो जहाँ मैं आपको उसके एक जो उसने स्टिच किए मैं वो उसके लिए अलग वीडियो लेके आऊँगी, मैंने वहाँ से सिलवाए हैं जो। तो सबसे पहले तो मैंने लिया है बॉटम वेयर, मैं आपको दिखा दूँ। तो ये गाइस देख लीजिए, ये स्ट्रेचेबल कॉटन है बट ये स्ट्रेचेबल है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पर इसमें जो वर्क है वो चिकनकारी वर्क है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का इनका टैग रहता है। और ये जो है मुझे मिला है 1110, मतलब इसका जो ये बॉटम था मुझे 1110 का मिला है। तो ये कुछ सिगरेट पैंट जो होती है स्ट्रेट पैंट उस टाइप का है ये, और बहुत ही कंफर्टेबल है। आप कैसे भी उठे बैठे मतलब बिल्कुल भी आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं हो। मैंने इसलिए ले लिया कि कभी भी किसी भी कुर्ते पे काम आ जाता है, वाइट बॉटम अगर आपके पास है तो आपको बहुत सारे मतलब कपड़ों के साथ आप मिक्स मैच करके पहन सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने ये लिया। हमने जो लिया वो है कुर्ती। तो गाइज ये शिफॉन की कुर्ती है, और मतलब जो उसका शिफॉन का कपड़ा है मैं आपको कैसे बताऊं, एकदम मतलब एकदम बटर है यार, पहनने पे हाथ मतलब हाथ पे लेने पे ही लगता है कि हाँ आपने कुछ लिया है। और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत ही सुंदर है, पता नहीं क्यों मेरे कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा है कलर, बाकी ये और डार्क है, आपको उतना प्रॉपर मैं फोटो लगा दूंगी। तो ये मैंने लिया है पूरे पे ऐसे, यहाँ पे इन्होंने आगे बूटी बूटी दी है और पीछे आपको, पीछे भी आपको इस तरीके से मिल जाएगा। और इसका जो नेक है वो इस तरीके से है, स्लीव्स आपको फुल मिल जाएगी। तो अभी इसके अंदर के लिए मेरे को जो इनर है वो लेना है, मतलब मैं सोच रही हूँ कॉटन का कपड़ा लेके उसका इनर स्टिच करवा लूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और मुझे इसको फिटिंग भी करवाना है, मुझे बहुत लूज है। उसके बाद जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है गाइस वो है ये। इसके बारे में प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये आपको अच्छा लगा या नहीं। ये ऑफ वाइट कलर होता है ना, प्रॉपर वाइट नहीं है ये, ऑफ वाइट कलर है। आप देख रहे हैं गाइस इसका वर्क देख रहे हैं आप, पूरे पे ये वर्क दिया हुआ है और पूरी लॉन्ग वाली कुर्ती है। ये इसकी स्लीव्स है फुल, और इसके बैक पे भी आपको वर्क मिल जाएगा इस तरीके का। तो इस, अच्छा हाँ मैंने आपको इसका प्राइस नहीं बताया, ये मुझे पड़ी थी 1350, 2400 कुछ की थी, परफेक्ट मुझे ये याद नहीं है, पर इतना तो पता है कि 2400 कुछ की थी ये, तो ये 2400 की थी। हमने लिए हैं बच्चों के लिए कुर्ते पजामे, वहीं से ही लिए थे।
अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये मुझे भैया ने गिफ्ट किए थे, मतलब भैया ने ही दिलाए थे, तो ये मैंने अपने आप से नहीं लिया है एक्चुअली, मुझे ये एक तरीके से गिफ्टेड कह लीजिए, मैं उनके यहाँ पे फर्स्ट टाइम गई थी तो उन्होंने मुझे ये दिलाए थे। तो बॉटम भी, दोनों कुर्ते भी, और ये बच्चों के जो हैं कुर्ते पजामे, ये भी भैया ने ही मुझे गिफ्ट किए हैं। एक ये है और एक ये है, तो ये मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा रही हूँ, ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। इसमें आपको इस टाइप का पजामा मिल जाएगा और पूरा इस तरीके से कुर्ता मिल जाएगा। उसके बाद गाइस मैंने अपनी सिस्टर के लिए वन पीस लिया था और एक हील्स ली थी, तो उसकी मैं फोटो लगा दूंगी क्योंकि वो तो मैं यहाँ आ गई तो उसी के पास है, तो अगर वो मुझे पिक सेंड करेगी तो मैं पिक भी लगा दूंगी। बाकी उसने घर पहुँचते बराबर ही पहन के देखा था कि उसको लूज वगैरह तो नहीं है, तो उसकी भी मैं फोटो साइड में लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। मुझे ऑफ वाइट कलर का उसका वन पीस था, बहुत ही अच्छे और बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल गया था, मतलब 650 या 700 में मिल गया था। उसका जो हील्स है वो मुझे 450 में मिल गया था। गाइज यही कुछ शॉपिंग, ओ एक सेकेंड और मैंने वहां से फ्लोर मैट्रेस भी लिए थे, तो उसकी भी मैं आपको साइड, मतलब उसकी भी मैं वीडियो आपको लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो मुझे, मतलब भैया के यहाँ गई थी तो वहां पे उनके यहाँ पे रखा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये नहीं पता था यार ये दिल्ली में ही मिलता है, एक्चुअली वो ऑनलाइन भी मिलता होगा बट ऑनलाइन पता नहीं कैसा आएगा, कितना मतलब कितना मोटा आएगा, पतला आएगा, कैसा आएगा। तो मैंने भैया के यहाँ देखा तो मैंने वहाँ से खरीदा, भैया मुझे लेके गए थे विशाल मेगा मार्ट, वहाँ से मैंने फिर मैट्रेस भी लिया है। तो मैं मैट्रेस की भी वीडियो, बस शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो गाइज ये फ्लोर मैट्रेस है और ये मैं दो लेके आई हूँ वहाँ से, तो एक 999 का है, तो मुझे दोनों 2000 के पड़े थे। और एक्चुअली मैं, मेरा जो घर है वो रेंटेड हाउस है, तो इस वजह से ये मेरे को सही लगा क्योंकि अभी हमारे पास सोफ़ा नहीं है, तो ये मुझे अच्छा लगा फ्लोर मैट्रेस, तो इसलिए मैं वहाँ से इसको दो लेके आई हूँ। बहुत ही लाइट वेट है ये। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। कौन सा कुर्ता आपको सबसे अच्छा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।